नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 9th का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। कोई भी पदार्थ हमारे चारों तरफ किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये पदार्थ होता क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमें इस चैप्टर में समझनी है। तो बात आती है कि सबसे पहले ये मैटर होता क्या है। देखिए, सराउंडिंग का मतलब तो हमारे चारों तरफ का एटमोसफेयर हो गया, हमारे चारों तरफ। तो फिर मैटर को समझते हैं पहले। मैटर क्या है? मैंने अभी अभी आपको एक चीज बोली थी कि मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं वो क्या है, मैटर है, उनको हमें पढ़ना है। अब वो हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं, हम कैसे बोलेंगे कि कोई भी चीज मैटर है, उसको मैटर कब बोल सकते हैं, उसको पदार्थ कब बोल सकते हैं, तो मैटर कब बोला जाए, इस चीज को हमें यहाँ पे समझना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में उसे समझते हैं हम लोग। एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे चारों तरफ कोई भी चीज है जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, जिनका कोई मास, मतलब जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होता हो, जो किसी ना किसी जगह को घेरने का काम कर रही हो, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, उनको आप क्या बोल सकते हो, मैटर बोल सकते हो। कोई भी चीजें हो सकती है हमारे चारों तरफ की। फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड हो सकता है, ये चौक हो सकती है, हमारे चारों तरफ ब्रिक हो सकती है, बुक्स हो सकती हैं, पेंस हो सकती हैं, पेंस हो सकते हैं, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ है जो हमारे चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। बट कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, एक तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हों, दूसरा उनका कोई ना कोई मास। देखिए, अगर मैटर की बात करें तो मैटर हमारे एटमॉस्फेयर में फाइव बेसिक एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट इन नेचर। नेचर में ये फाइव बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आपने सुना भी होगा, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, मतलब आग, जल, वायु, पृथ्वी और आपका आसमान। ये पांच तत्व, जिन्हें हम पंच तत्व बोलते हैं, विच आर known as पंच तत्व। मतलब हमारे चारों तरफ मैटर, हम उसके से बोल रहे हैं जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, जिनका कुछ मास हो, और ऐसी सारी चीजों को क्या बोला, मैटर। और जो मैटर है वो हमारे चारों तरफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व। इन पंच तत्व में क्या क्या आता था, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। ये पांचों चीजें मिलकर के क्रिएट करते हैं किसको, पंच तत्व को।
और इन्हीं पांचों फॉर्म्स में मैटर हो सकता है, इनके अलावा कोई छठी फॉर्म नहीं है जहां मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये फाइव बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है नेचर में, इसमें एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई, इन्हीं जगह पर आपका मैटर या इन इनकी फॉर्म में, इन बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में आपको मैटर ऑब्टेन हो सकता है। तो फिर अच्छा, लेकिन याद रखना जो फीलिंग्स होती हैं, डिजायर्स होती हैं, सीजन्स होते हैं, वो कभी भी मैटर में इंक्लूड नहीं किए जाते। जैसे लव, अफेक्शंस जो होते हैं, ये क्या है? फीलिंग्स, हेट, ये सारी की सारी क्या है? फीलिंग्स हैं। और फीलिंग्स ना तो इनका कोई स्पेस होता है और ना कोई इनका मास होता है, और जब इनका ना कोई मास है ना स्पेस है तो क्या ये मैटर में इंक्लूड हो पाएंगे? नहीं। मान लो आपसे बोला गया समर, बताइए समर मैटर है या नॉन मैटर है, तो आप क्या बोलेंगे? नॉन मैटर, क्योंकि ये क्या एक सीजन है, और सीजन कभी भी ना तो उनका कोई स्पेस होता है और ना ही वो कोई मास को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऐसी किसी भी चीज को जो कि किसी मास को जिनका कोई मास ना हो, जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हो, उनको आप कभी भी मैटर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ठीक है, कभी तो फीलिंग्स हैं, कभी अफेक्शंस हैं, या आपके नेचर में सीजन्स हैं, इनको कभी भी आप मैटर में इंक्लूड नहीं करते। तो मैटर के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल में बुक, बोर्ड, चेयर, चॉक, ब्रेक, एयर, वाटर, मिल्क, सैंड, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड सो ऑन। मतलब कोई भी चीजें हो सकती है, वो हमारा व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बुक, चेयर, चॉक, ब्रेक, एयर, वाटर, मिल्क, सैंड, कोई भी चीजें हो, लेकिन बस क्या कंडीशन है? वो मास उनका कुछ होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, तो फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते। मैटर के बारे में आप एक चीज याद रखेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल साइज्ड पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स मिलकर के किसको बनाते हैं? मैटर को बनाते हैं। इस चीज को आप क्या रखेंगे? याद। तो मैटर सिंथेसाइज, देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है, अगर हम लोग इस शॉक की बात कर रहे हैं, तो इसको आप पाउडर फॉर्म में लेके जाइए, कुछ पार्टिकल्स देखेंगे, उनको भी फर्दर ब्रेक करेंगे तो एक स्मॉलेस्ट कंडीशन डेवलप होगी जो हम विजुअलाइज भी नहीं कर पाए। तो वो जो टिनी मिनी पार्टिकल्स हैं, वेरी स्मॉल साइज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो हम नेट डाइट से विजुअलाइज ना कर पाए, ऐसे पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट करके मिल करके बनाते हैं किसको? मैटर को। तो हम बोल सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल। हम लोग थोड़ा सा अगर यहीं पे आगे बढ़े तो मैटर के पार्टिकल जो है, मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बन रहा है, उन पार्टिकल्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को, कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। पहली बात तो वही हो गई, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स
वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन बाई मेग्ड आई। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? मैटर जो है बहुत छोटे छोटे साइज के पार्टिकल से, जिन्हें हम टिनी मिनी पार्टिकल्स बोलते, मिलके बनता है, जिनको हम लोग नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। ये नेक्ड आईज क्या होती है? नेक्ड आईज का मतलब है अनएडेड आईज, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जब कोई इंस्ट्रूमेंट यूज ना किया हो, तब उन आईज को आप क्या बोलते हैं? नेक्ड आईज। तो नेक्ड आईज का मतलब यहाँ पे किससे है? अनएडेड आईज, मतलब विदाउट हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी माइक्रोस्कोप बिना है। दूसरी बात, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली मूव करने की कैपेसिटी रखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज, आगे इनको कुछ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझेंगे भी, क्या ये प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है। तो हम लोगों ने क्या बोला? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली इन मोशन। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पजेस स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इसको भी अभी एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से, एक्टिविटी की हेल्प से समझिए। देखिए, कोई भी चीजें हैं इस नेचर में, वो चीजें एक दूसरे के साथ हमेशा इंटरेक्ट करती हैं। या तो वो फोर्स लगने वाला उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो सकता है या वीक हो सकता है। कोई भी चीजें जितने ज्यादा क्लोज है उतना ही ज्यादा लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, जितने दूर होती जाएंगी तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि भाई उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा होगा। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Particles of matter attract each other. Matter के जो particles हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? Attract कर। तो ये कुछ basic property। अच्छा जी, एक और बात कर लेते हैं। जब कोई भी चीज है move करती है, continuously motion में होती है, तो उनके पास एक kinetic energy होती है। एक energy होती है जिसे kinetic energy बोलते, डिस्कस करेंगे अभी। पहले यहाँ पे वापस, ये चार प्रॉपर्टीज हमने बेसिकली पढ़ी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल हम लोग अनएडेड आईज से विजुअलाइज नहीं करते। दूसरी बात, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली या कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम कर। एक एक्टिविटी की हेल्प से हम लोग इन दोनों चीजों को समझते हैं। आपने क्या करा? एक बीकर लिया, बीकर में ले लिया आपने वॉटर। इसमें आपने क्या करा?
ऐड कर, शुगर ऐड करी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टर करते हैं, घुमाते हैं, हमें नहीं घुमाया, सिर्फ शुगर को ऐड कर। कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, उसको अनडिस्टर्ब रखा रहने दिया। आपने कुछ समय के बाद जब इसमें से वाटर को टेस्ट किया होगा, तो उसमें से शुगर का भी कुछ टेस्ट आने लगेगा, मतलब ये कुछ क्या हो चुका होगा, थोड़ा सा मीठा होने लगेगा। इसका मतलब जब आपने इनिशियली इसमें शुगर के पार्टिकल्स डाले थे, तो वो शुगर के पार्टिकल्स वाटर में जाकर के अपने फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुए होंगे, ब्रेक हुए होंगे, और ब्रेक करने के बाद में पूरे के पूरे सॉल्यूशन में मूव करने की टेंडेंसी रखी है। देखिए कोई भी चीज मूव कर कब कर पाएगी, जब जिसमें आप डाल रहे हैं उसके बीच में स्पेस हो। तो सिंपल सी बात है, मैं अभी बोलूं कि ये बॉल है और इसमें मैंने क्या करा, इस तरीके से स्ट्राइक करा, तो अगर यहाँ पर स्पेस होता तो ये हाथ क्या होता, इसके पार चला जाता, लेकिन ये हाथ इसके पार नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पर स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कोई भी चीजें मूव तभी कर सकती हैं जब उसको मूवमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर शुगर के पार्टिकल अगर इसके बीच में डिजोल्व हुए हैं, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को मीठा करने का काम किया है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस अवेलेबल होंगे। तो इससे हमारा क्लियर होता है ये कंसेप्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पजेस स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इसी को लेकर के कंडीशन और समझते, क्वेश्चन आता है कि जब आपने क्या करा, वाटर लिया, वाटर के इनिशियल लेवल को आपने ये देखा, ये इनिशियल लेवल था, आपने जब शुगर को डाला तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वो शुगर डिजोल्व होगी आप वापस से पाएंगे कि उस सॉल्यूशन का लेवल कोई चेंज नहीं रहा होगा, वही लेवल मेंशन मेंटेन हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये शुगर के पार्टिकल्स थे ये डिजोल्व हो करके छोटे छोटे पार्टिकल में स्प्लिट हुए और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस अवेलेबल था उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था उसके लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आए। इससे भी कंफर्म होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में एक स्पेस अवेलेबल रहता है। मान लीजिए आपने क्या करा, नॉर्मली ये आपका इसमें वाटर था, सिंपली कलरलेस होता, आपने इसमें क्या करा, ब्लू इंक डाल दी, आपने स्टिरिंग नहीं की, सिर्फ दो ड्रॉप यहाँ पे ब्लू इंक डाली, थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करेंगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन लाइट ब्लू कलर का होने लगता है। इससे कंफर्म होता है कि ये जो मैटर है जिसको आपने यहाँ पर डाला है, वो मैटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे मूव कर रहे होंगे, मूव करने के साथ साथ यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखी है। इससे एक और चीज कंफर्म होती है कि भाई इतना स्पेस नहीं था कि वो शुगर का पार्टिकल पूरा का पूरा वहां चला गया, इसका मतलब वो जो शुगर का पार्टिकल था वो फर्दर स्प्लिट हुआ होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये शुगर का पार्टिकल था वो मिलियंस ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। तो एक्टिविटीज की हेल्प से हम लोग अपनी चारों करेक्ट ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों को समझ तीनों को समझ सकते हैं, चौथी को यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई अगर उनके बीच में स्पेस है या कहीं भी पार्टिकल्स हैं तो हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में लग रहा होता है। दूसरी करेक्टरिस्टिक आपने पढ़ी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, मैटर के पार्टिकल लगातार क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, और जब भी चीजें मोशन करती हैं तो मोशन की वजह से उनके पास एक एनर्जी आती है, एंड दैट एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी को समझने से पहले हम लोग एनर्जी को समझते हैं, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऊर्जा, मतलब किसी भी काम को करने की कैपेसिटी, किसी वर्क को करने की कैपेसिटी। डिफाइन भी करते हैं आप एनर्जी को, एबिलिटी टू डू द वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, विदाउट गेट टायर्ड,
बिना थके जो काम करने की टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, एनर्जी। और अगर वो एनर्जी तब आए जब कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में अराइज होने वाली एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द एनर्जी पजेस बाई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाती है वो, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, मीन्स द एनर्जी पजेस्ड बाई ऑब्जेक्ट, पजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है और उस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी पजेस्ट करता है, गेन करता है, दैट इज नोन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन में है तो इनके पास भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है। एम मास है उस सब्सटेंस का जो मूव कर रहा होगा, बी वेलोसिटी है जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। इसी तरीके से एक टर्म यहाँ पे और यूज होगा, एंड दैट इज द डेंसिटी। ठीक है, डेफिनेशन भी समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के लिए जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, वो किसे डिनोट करता है, डेंसिटी को। मान लीजिए हम लोग स्मॉल डी से अगर डिनोट कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो जरा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को डिनोट कर रहे थे स्मॉल डी से, मास एम से डिनोट कर लेते हैं, वॉल्यूम वी से डिनोट कर लेते हैं, तो फॉर्मूला आ गया इज इक्वल टू एम अपॉन डी। मास आप एम से या डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, तो आ गया डेंसिटी का। अब हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें, मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए। देखिए, मैटर माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब पार्टिकल्स के लेवल पे, जो बेसिक पार्टिकल्स जिनसे मिलके बन रहे, उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में अवेलेबल स्पेसेस, इस बेसिस पर फाइव क्लासेस में क्लासिफाई किए जाते हैं। जबकि दूसरा प्योरिटी की लेवल पे मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी क्लासिफाई करते हैं। मैं पहले चैप्टर पे जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ना है, मतलब पार्टिकल्स के लेवल पे पढ़ना है, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनका मूवमेंट किस तरीके से। फाइव कैटेगरीज में आप क्लासिफाई करने वाले हैं, फिर फर्स्ट वन इज सॉलिड, सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट या सिंपली सॉलिड लिक्विड गैस लिख सकते हैं, सॉलिड लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, फोर्थ वन इज प्लाज्मा, एंड फिफ्थ वन इज बोस
आइंस्टाइन, कंडेंसेट, जिसे हम लोग शॉर्ट में BEC, ओवरऑल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर के 5 स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए बेसिकली ये 3 स्टेट हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम लोग इन दोनों स्टेट्स के बारे में भी करेंगे, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं पहले आज के लेक्चर को। मैटर की सबसे पहले हमने बात करी, मैटर क्या था। मैटर कोई भी आप ऐसी चीज को बोल रहे थे जिसका कोई ना कोई मास हो, जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, मीन्स एनीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कोई भी चीज विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर हमारे एटमोस्फेयर में, हमारे चारों तरफ या यूनिवर्स में 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इसके बाद हमने बात करी थी जो फीलिंग्स होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं, जो सीजन्स होते हैं, डिजायर का मतलब जैसे हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ये सारे के सारे काम नॉन मैटर है, इनका कोई स्पेस नहीं है, इनका कोई मास नहीं है, तो ये कभी भी मैटर में इंक्लूड नहीं किए जा सकते। मैटर जो है वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है। अगर मैटर के पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी कि जो मैटर है वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल से मिलके बनता है, जिनको हम लोग अनएडेड आइज से या नेक्ड आइज से विजुलाइज नहीं कर सकते। दूसरा हम लोगों ने यहीं पे देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंस्टेंटली मोशन में होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मोशन के उनके बीच में स्पेस अवेलेबल रहता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। एक्टिविटीज को भी समझा, जैसे कि मैंने शुगर को वाटर में डिजोल्व करा तो वो शुगर व्हाट स्प्लिट होकर के छोटे छोटे पार्टिकल में टूटी, जिससे कंफर्म हुआ कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के कोई भी क्रिस्टल या कोई भी मैटर क्रिएट होता है, वो जाकर के पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो गए। इसका मतलब जो मैटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स होने की एबिलिटी रखते हैं, मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे शुगर के वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जाकर के स्पेस को ऑक्यूपाई करे, इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस अवेलेबल होता है। इसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ा, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने सिंपली बोला कि ऐसी एनर्जी है जो किन्हीं भी पार्टिकल्स के किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, मीन द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल या मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला देखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद डेंसिटी को समझा, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डब्ल्यू अपॉन बी या एम अपॉन बी। इसके बाद मैंने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, मैटर को आप 5 स्टेट्स में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट इज बी ई